दोस्तों, अभी की जो बड़ी खबर है वो है पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की सुगबुगाहट चल रही थी कि क्या रमीज रजा, जो कि उनके चेयरमैन थे बोर्ड के, क्या उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है और किसी और को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अब पाकिस्तान मीडिया के मार्फत ये खबर मिल रही है, उनके जरिए खबर मिल रही है कि रमीज रजा जो है उनको कर दिया गया है बर्खास्त, उनसे चेयरमैन की जो कुर्सी है उसको छीन ली गई है। और नजम सेठी साहब जो उनको दोबारा पीसीबी चेयरमैन थे, उनको दोबारा जो है वापस इस पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए दीपक, इस बात का अंदाजा तो था ही नहीं। नहीं, इस चीज़ के बारे में लगातार देखिए, पिछले अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो लगातार इस बारे में चर्चा थी कि जो रमीज रजा है उनको पीसीबी चेयरमैन पद से हटा दिया जाएगा। और नजम सेठी जो पहले पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, 2013-14 के कार्यकाल था, उसके बाद उनको वापस बनाया जा सकता है पीसीबी का चेयरमैन। हालांकि जो रमीज रजा थे, आपको याद ही होगा जब इमरान खान की सरकार बनी थी उसके बाद 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी, वो पीसीबी के चेयरमैन बनाए गए थे। हालांकि इस उनके कार्यकाल में काफ़ी चीज़ें घटित भी हुई, चाहे वो एशिया कप को लेकर लगातार उनका बयान आना हो या फिर अभी हाल फिलहाल में इंग्लैंड जो पाकिस्तान को घर में सीरीज हरा कर चला गया, 3-0 से उन्होंने क्लीन स्वीप की। उसके बाद शाहबाज शरीफ उनके क्लोज माने जाते हैं नजम सेठी, तो उनको चेयरमैन पद पर फिर से जो उनको जिम्मेदारी दी गई है। देखिए दीपक ने आपको एकदम परफेक्ट टाइमलाइन बताई है, और हालांकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान में जो मीडिया है वो इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि नजम सेठी को बना दिया गया है चेयरमैन और रमीज रजा जो है उनको कर दिया है बर्खास्त। अब क्या एग्जैक्ट वजह रही, देखिए आज से करीब 2-2.5 महीना पहले भी इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है आग लगी थी, बहुत सारी बातें हुई थी कि रमीज रजा को हटा दिया जाएगा, या ऐसी भी खबरें आई कि हटा दिया गया है। लेकिन अब जो पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक अब जो है ये फैसला ले लिया गया। देखिए ये डिसीजन तो आना था प्रधानमंत्री के निवास से, और वहीं से ये डिसीजन आया है, जैसा कि पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, और कि उनको हटा दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि आप उसी दिशा में जा रहे थे रमीज रजा, चाहे वो उनके बयान हो, चाहे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस हो, चाहे जो है इंटरनल इश्यूज जो रहे हो, है ना। तो कहीं देखिए पाकिस्तान का आपको ये समझना पड़ेगा कि शाहबाज शरीफ जो उनके नए प्रधानमंत्री हैं उस हिसाब से भी चीज़ें चलती है, क्योंकि इमरान खान के क्लोज से आपको याद होगा 1992 वर्ल्ड कप टीम के चैंपियन थे जिसके कप्तान इमरान खान थे, और उसके बाद जब रमीज रजा को ये अपॉर्चुनिटी मिली पीसीबी का चेयरमैन सर्व करने की, उस दौरान काफ़ी कयास भी उस दौर में पाकिस्तान में लगाए गए थे कि अब पाकिस्तान क्रिकेट किस तरीके से आगे जाएगा। लेकिन जब इमरान खान की सरकार गई उसके बाद से ही चर्चा जारी थी कि इसका असर देखने को मिलेगा पीसीबी के ऊपर भी, क्योंकि रमीज रजा अभी नहीं तो आगे इस चेयरमैन पद से हट सकते हैं। और इसके साथ ही हाल फिलहाल में जो पिछले 2-3 महीने रहे वो बड़े इंपॉर्टेंट रहे, चाहे वो एशिया कप जो हुआ था यूएई में उसके बाद हो, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन हो, या फिर जो रमीज रजा का लगातार बयान आना था कि हम एशिया कप के लिए भारत को अपने घर बुलाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान ना आए, हम भी वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे, जो उल जलूल कई बयान सामने आए थे और हर रोज़ सामने आए थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है हर रोज़ एक अलग तरह का बयान आ जाता था, और अब जब नजम सेठी बने हैं नए पीसीबी चेयरमैन, आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है जैसा अभी नितिन भाई ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल अभी इस पर अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये खबर फिर तय है कि नजम सेठी दोबारा पीसीबी के चेयरमैन बनेंगे।